जैसे यहाँ पे कस्टमर आईडीज हम लोगों ने यूज की 101, 102, 103, और फिर उस कस्टमर आईडीज की बेस पे, जैसे इसने यहाँ पे 0 आईडी चलाई, इसने एक लिस्ट बनाई कस्टमर्स के नाम से, ये ब्रैकेट हमें बता रही है कि लिस्ट आपकी स्टार्ट होगी, और हर लिस्ट का हर जो एलिमेंट था वो एक डिक्शनरी। तो लिस्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कोमा से सेपरेट होते हैं, तो हमने देखा कि ये आपकी कर्ली ब्रैकेट्स आई है और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट एंड हुई है और यहाँ इसके बाद आपका कोमा आ रहा है। तो मतलब आपका जो लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट है वो असल में एक डिक्शनरी है, उसके बाद सेकंड एलिमेंट फिर से डिक्शनरी है, थर्ड एलिमेंट फिर से डिक्शनरी है, उसके बाद आपकी लिस्ट क्लोज हो जाती है। फिर हमने ये भी सीखा कि अलग अलग लाइन पे पेयर बना बना किस तरह बनाए जाते हैं। आप टैब की स्पेस देते हो, अगर आप सिंगल टैब की स्पेस देते हो यहाँ पे, मतलब कि आप लिस्ट के अंदर हो अभी यहाँ पे, डबल टैब दे के आप बताते हो कि आप लिस्ट में फिर डिक्शनरी में दोनों के अंदर यहाँ पे जो आप लिख रहे हो वो जो चीज़ है वो दोनों का पार्ट है, लिस्ट का भी पार्ट है और डिक्शनरी का भी पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा एक्सेस किस तरह करते हैं इनको, डिलीट हम लोग नहीं करते, डिलीट करने से नुकसान क्या होता है कि आईडी आपकी चेंज हो जाती है, इनको एक्सेस करने का क्या तरीका होता है। एक्सेस करने के लिए हम लोग पहले जो आइटम होता है एलिमेंट होता है लिस्ट का, हम लोग उस एलिमेंट को अप्रोच करते हैं, जैसे कस्टमर्स की लिस्ट है उसका एलिमेंट नंबर 2870 है, तो हम लोग उस एलिमेंट को किसी एक वेरिएबल में सेव करवाएंगे। अब क्योंकि लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो इटसेल्फ डिक्शनरीज हैं, तो क्या होगा कि 2870 एलिमेंट नंबर जो है वो एक डिक्शनरी है, और वो डिक्शनरी हम लोगों ने डिक्शनरी तो लुक इन एक वेरिएबल में सेव करवा लिया। उसके बाद डिक्शनरी में टॉगल करने के लिए हमें पता है कि हम लोग की के थ्रू डिक्शनरी में टॉगल करते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया कि एक वेरिएबल बनाया कस्टमर एड्रेस, और उस वेरिएबल को हमने इक्वल किया डिक्शनरी टू लुक जो कि एक डिक्शनरी है, और उसकी की हमने रखी एड्रेस। तो इस की के अगेंस्ट जो वैल्यू सेव हुई हुई है कस्टमर नंबर 2870 का एड्रेस, वो इस वेरिएबल में सेव हो जाता है। फिर हम लोग इस वेरिएबल को प्रिंट करवा के उसका एड्रेस देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसने बताया था वेरिएबल डिक्शनरी टू लुक इन इज यूज इन लाइन 2 टू फाइंड द एड्रेस ऑफ द कस्टमर हुज आईडी इज 2870, तो उसकी आईडी ये है, हमने इसको यहाँ पे अप्रोच कर दिया। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि हम डायरेक्टली एक ही लाइन में ये सारे काम भी करवा सकते हैं, कि हम लोग ये इक्वल्स के साइन, पहले हम लोग इन दोनों को ये जो आपके पास ये जो कमांड है इसको सिंप्लीफाई करके एक बना लें, कि आप कस्टमर एड्रेस को आपने इक्वल टू किया है इसके, आप इन तीनों लाइनों को श्रिंक करके एक लाइन में ले आते हो, आप कस्टमर्स की जो आईडी है वो आईडी नंबर लिखते हो, उसके बाद ब्रैकेट में उसका एड्रेस लिख देते हो, तो कस्टमर आईडी का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जिस एलिमेंट पे आप लिस्ट के जाना चाहते हो उस एलिमेंट पे आप आ चुके हो, एक मिनट यार ये क्या स्क्रीन पे आ गई, तो आप उस एलिमेंट पे आ चुके हो जिस एलिमेंट पे आपने जाना है। वो एलिमेंट क्या है कि एक कस्टमर 2870 की सारी इंफॉर्मेशन है एक डिक्शनरी की फॉर्म में। उसके बाद हम लोग बताते हैं कि हमने डिक्शनरी के किस की को हमने अप्रोच करना है, तो हम लोगों ने की जो है वो एड्रेस है, एड्रेस को अप्रोच करना है, तो हम लोग एड्रेस की को अप्रोच करते हैं। तो ये जो आपकी टोटल कमांड बन जाती है यहाँ से लेके वहां तक, ये आपको क्या बताती है, ये आपको डायरेक्टली उसका एड्रेस निकाल के दे देती है कि हम लोग कस्टमर लिस्ट की इस एलिमेंट पे और इस एलिमेंट की पर जो डिक्शनरी है उसकी इस की को अप्रोच करना चाह रहे हैं। लास्ट वीडियो हम जो है लेक्चर की, अगर आप वो देखो तो उसमें आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अपेंड आप कैसे करते हो, हाउ टू अपेंड अ न्यू डिक्शनरी टू अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, तो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम, बल्कि इसको हमने नहीं देखा था। अब हमने क्या करना है कि एक नई डिक्शनरी ऐड करनी है लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज में, आपके पास एक लिस्ट है और उसमें आपने एक नया कस्टमर उसमें ऐड करना है, बल्कि ये देखा था मेरे ख्याल से, आई थिंक सिंप्लीफाइड एग्जांपल में हमने कस्टमर्स की लिस्ट को यूज किया है। इस लिस्ट में हर एलिमेंट एक डिक्शनरी है, 4 की वैल्यू पेयर, 4 की वैल्यूज का पेयर है जो हमें एक आईडी बताता है, कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एड्रेस बताता है। We have acquired a new customer, so we want to add a new dictionary to the end of the list. अब हमने एक नया कस्टमर बना ली, एक आ गया हमारे पास और हम लोग चाहते हैं कि उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो लिस्ट के एंड पे ऐड हो जाए, तो हमें क्या है, लेट्स से वी ऑलरेडी हैव द फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एड्रेस ऑफ द न्यू कस्टमर, दीज वैल्यूज आर स्टोर्ड इन द वेरिएबल, तो हमारे पास इस कस्टमर की तीन जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसका एड्रेस। हम लोगों ने क्या किया, वो तीनों जो चीज़ें थी वो इस इन वेरिएबल्स में सेव करवा दी, न्यू फर्स्ट नेम, न्यू लास्ट नेम और न्यू एड्रेस।
तो लास्ट चैप्टर में जो हमने इसने स्कीम शो किया हमें, वी आर गोइंग टू मेक द कस्टमर आईडी मैच द इंडेक्स ऑफ द डिक्शनरी। तो हम लोगों ने वही स्कीम यहाँ पे लगानी है कि हम लोगों ने कस्टमर आईडी को डिक्शनरी के इंडेक्स से मैच करवा देना है। उसका फायदा हमें क्या हो रहा है, उसका फायदा हमें ये हो रहा है कि जब भी हम कस्टमर आईडी के थ्रू हम लोग डिक्शनरी के एलिमेंट को भी सर्च कर सकते हैं कि जो कस्टमर की आईडी है वही डिक्शनरी का एलिमेंट होगा, तो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन निकालना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। देर इज एन ईजी वे टू फाइंड आउट वट दैट इंडेक्स इज गोइंग टू बी। इसका एक आसान तरीका है कि वो इंडेक्स क्या होगा, इफ वी कैन फाइंड आउट हाउ मेनी डिक्शनरीज। इसका तरीका क्या है कि अगर आपने आपके पास एक सपोज लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज है और आपने उसमें एक नया एलिमेंट ऐड करना है और आपको पता नहीं है कि वो किस एलिमेंट का नंबर क्या होगा, उसका तरीका सिंपल सा यह है कि आप डिक्शनरी का साइज फाइंड कर लो कि डिक्शनरी का साइज क्या है। डिक्शनरी के साइज से हमें पता लग जाएगा उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो जब हम नया एलिमेंट ऐड करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि वो एलिमेंट किस लोकेशन पे जाके ऐड हो गया। ठीक है, तो इफ वी कैन फाइंड आउट हाउ मेनी डिक्शनरीज आर ऑलरेडी इन द लिस्ट, दैट नंबर विल बी द इंडेक्स नंबर ऑफ द न्यू डिक्शनरी। तो अगर हमें पता लग जाए कि कितने एलिमेंट हैं डिक्शनरी में पहले से, तो वो जो नंबर होता है वो डिक्शनरी का नया इंडेक्स बन जाता है। इसका मतलब क्या है कि क्योंकि डिक्शनरी के जो एलिमेंट्स हैं इंडेक्स हैं वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगर डिक्शनरी में 10 एलिमेंट्स होंगे तो उसका जो लास्ट इंडेक्स होगा वो 9 होगा, तो अगर हमने उसमें नया एलिमेंट ऐड करना है तो वो 10th एलिमेंट होगा। जितना डिक्शनरी का साइज होता है उसी नंबर का एलिमेंट हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल नीचे आई भी हुई है, इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। इफ यू कैन फाइंड आउट हाउ मेनी डिक्शनरीज आर ऑलरेडी इन द लिस्ट, दैट नंबर विल बी द इंडेक्स नंबर ऑफ द न्यू डिक्शनरी। तो अगर हमें ये पता लग जाए कि डिक्शनरी में पहले से कितने एलिमेंट्स हैं, तो वो जो नंबर निकलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स का वही नए नई डिक्शनरी का इंडेक्स नंबर बन जाएगा। क्यों क्यों? क्योंकि द नंबर ऑफ डिक्शनरीज इन द लिस्ट इज वन ग्रेटर देन द लार्जेस्ट इंडेक्स नंबर। तो जितने डिक्शनरी के नंबर्स हैं लिस्ट में उसका इंडेक्स नंबर वो इंडेक्स नंबर से एक ज्यादा है। अगर उसमें 10 डिक्शनरीज हैं तो आखिरी डिक्शनरी का इंडेक्स नंबर 9 है, क्योंकि आपकी जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। सिंस इंडेक्स नंबर नंबरिंग स्टार्ट एट 0, इफ द नंबर ऑफ डिक्शनरीज इन द लिस्ट इज 1000, द लास्ट डिक्शनरी इन द लिस्ट हैज एन इंडेक्स ऑफ 999। तो अगर 1000 डिक्शनरीज हैं तो आखिरी डिक्शनरी का इंडेक्स 999 है, तो जो नई डिक्शनरी ऐड होगी उसका इंडेक्स ऑटोमेटिकली 1000 होगा। तो जितना डिक्शनरी का साइज है उसी इंडेक्स का हम लोग ऐड करेंगे, उसी इंडेक्स में हम लोग नई डिक्शनरी ऐड करेंगे। And if we know what that index number of the new dictionary on the list is, we know what the new customer ID is going to be. ठीक है, because it's going to be the same number. तो हमें पता लग जाता है कि जितना लेंथ है डिक्शनरी की वही कस्टमर का आईडी नंबर होता है, तो डिक्शनरी किसी सॉरी लिस्ट की कितनी लेंथ है वही कस्टमर का नया इंडेक्स बन जाता है नए कस्टमर का। तो किसी भी लिस्ट की लेंथ फाइंड करने के लिए जो कोड होता है वो LEN होता है। इस तरह हम लोगों ने देखा साइज का एक कोड होता है, साइज का हम लोगों ने नहीं देखा यहाँ पे, लेंथ का ही देखा। LEN जो हमें बताता है वो लेंथ बताता है कि किसी लिस्ट की लेंथ कितनी है। तो अगर उसकी लेंथ है 1000 तो नई डिक्शनरी का इंडेक्स भी होगा 1000। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू कस्टमर आईडी की वेरिएबल में लेंथ ऑफ कस्टमर सेव करवा लेंगे। तो उससे हमें क्या पता लगा कि इससे हमें पता लगा कि जो आपकी कस्टमर लिस्ट की जो लेंथ है वही आपका नया इंडेक्स बन जाता है, आप नई वेरिएबल में सेव करवा लेते हो। अब हमारे पास चार वेरिएबल्स बन गए हैं, न्यू कस्टमर आईडी, न्यू फर्स्ट नेम, न्यू लास्ट नेम और न्यू एड्रेस। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इफ द लेंथ ऑफ द कस्टमर लिस्ट इज 1000, इट मींस द इंडेक्स नंबर ऑफ द लास्ट, ये भी हो गया। सिंस द काउंट ऑफ द डिक्शनरीज इन द लिस्ट स्टार्ट्स एट 1 एंड इंडेक्सिंग स्टार्ट एट 0। तो वही बात है कि काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से, इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। जो लेंथ है वो असल में काउंटिंग है, तो वो 1 से स्टार्ट होके 1000 तक जा रही है, इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होके 999 तक जा रहा है। इट्स द कीवर्ड लेंथ। तो आपका आपका कोड कैसे स्ट्रक्चर हुआ है, LEN आपका जो लेंथ है ये कीवर्ड यूज करना है, आगे आपने ब्रैकेट में जो आपकी लिस्ट का नेम है वो आपने डाल देना। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपेंड करना है। नाउ वी हैव गॉट ऑल द वैल्यूज इंक्लूडिंग द न्यू कस्टमर आई डी लोडेड इन टू द वेरिएबल, वी कैन क्रिएट द न्यू डिक्शनरी। अब आप नई डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, सिंपली आपने क्या करना है, एक न्यू डिक्शनरी के नाम से नई डिक्शनरी बनानी है। उसमें आपने क्या करना है, कस्टमर आईडी आपका जो पहला इंडेक्स पहली की थी उसके अगेंस्ट जो उसकी वैल्यू थी वो हमने न्यू कस्टमर आईडी वेरिएबल में सेव की हुई है। फर्स्ट नेम आपकी की थी, न्यू फर्स्ट नेम वेरिएबल में उसकी वैल्यू सेव की हुई है। लास्ट नेम की थी, न्यू लास्ट नेम में आपने उसकी वैल्यू सेव की हुई है। एड्रेस की थी और न्यू एड्रेस में आपने उसकी वैल्यू सेव की हुई। अब हम फाइनली क्या करेंगे, अपेंड करेंगे डिक्शनरी को। अपेंड करना बड़ा आसान है, अपेंड करने के लिए अपेंड की कमांड यूज होती है, जैसे लिस्ट में यूज होती थी। इसमें एग्जैक्टली वही कमांड है क्योंकि ये लिस्ट की में ही अपेंडिंग हो रही है, कस्टमर्स डॉट अपेंड, और जो चीज़ आपने अपेंड करनी है वो चीज़ यहाँ पे आप लिख देती हो। तो यहाँ पे हम लोग एक डिक्शनरी अपेंड कर रहे हैं, तो न्यू डिक्शनरी हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया अपेंड कर।
ठीक है, तो इसको हम लोग पाइथन पे करके भी देख लेते हैं। मैं पाइथन को रन करता हूँ, तब तक अगला चैप्टर थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट चीज है, हम लोगों ने अब पढ़ा था कि लिस्ट, ऐसी लिस्ट जिसमें डिक्शनरीज हो, अब ये इसका रिवर्स आ गया है, ऐसी डिक्शनरी जिसमें लिस्ट हो। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है, जिस तरह लिस्ट के अंदर डिक्शनरीज बनाना पॉसिबल है, उसी तरह डिक्शनरी के अंदर लिस्ट बनाना भी पॉसिबल है। तो हमें पता है कि डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी एक पेयर होता है जिसमें की और वैल्यू होते हैं, जैसे यहाँ पे बताया भी हुआ है। और लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट में सिंपल एलिमेंट्स होते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया था कि लिस्ट के सिंपल एलिमेंट को हम लोगों ने डिक्शनरी से रिप्लेस कर दिया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम कस्टमर की जो वैल्यूज हैं उनको हम लोग लिस्ट से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो आगे जाके देखते हैं। ये आपके पास एक उसने डिक्शनरी की एग्जांपल दी हुई है, कस्टमर 29876 आपके पास एक डिक्शनरी है, उसके अंदर तीन पेयर्स हैं, की वैल्यू के तीन पेयर्स हैं। लेट्स से वी कैन ऑफर आवर कस्टमर डिफरेंट डिस्काउंट, डेविड इलियट हैज क्वालिफाइड फॉर थ्री ऑफ देम, अ स्टैंडर्ड डिस्काउंट, अ वॉल्यूम डिस्काउंट एंड अ लॉयल्टी डिस्काउंट। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने जो बैंकिंग का जो सिस्टम था, इसके अंदर हमारे पास एक कस्टमर था डेविड एलियट। तो एक बैंक ने क्या किया, एक बैंक ने जिस तरह इजी पैसा पे आप देखते हो कि आपको डिस्काउंट ऑफर होते हैं, तो समझ लो कि ये वही चीज़ है कि एक इजी पैसा का कस्टमर है, और इसको हम लोगों ने बताना है कि इसकी जो डेटाबेस में हमने सेव करवाना है कि इसको कौन कौन से डिस्काउंट मिल रहे हैं। अब हमें पता लगा कि इस बंदे को तीन डिस्काउंट मिल रहे हैं एट अ टाइम, इसको स्टैंडर्ड डिस्काउंट मिल रहा है, इसको वॉल्यूम डिस्काउंट मिल रहा है, और इसको लॉयल्टी डिस्काउंट मिल रहा है। अब इसका तरीका क्या होगा, अ गुड गुड वे टू इंक्लूड दिस। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखो डिक्शनरी में, तो हम लोगों ने क्या किया है, की और वैल्यू की लिस्ट बनाई है। की फर्स्ट नेम था, और फर्स्ट नेम जो उसका असल में था वो यहाँ पे लिख दिया, की लास्ट नेम थी जो वैल्यू थी उसकी जो असल में लास्ट नेम था वो यहाँ पे लिख दिया, की एड्रेस था जो असल में उसका एड्रेस था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब डिस्काउंट का अगर हमने ऐड करना है इस कस्टमर की इन्फॉर्मेशन में, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट की बनाएंगे, और जो जो डिस्काउंट हुए हैं उसकी हम लोग वैल्यू बना देंगे। लेकिन इशू यहाँ पे क्या है कि डिस्काउंट हमारे पास तीन है, अगर एक डिस्काउंट होता तो सिंपली हम लोग क्या करते, यहाँ पे सिंपली वो एक डिस्काउंट लिख देते। मीटिंग एंड हो रही है, नई मीटिंग स्टार्ट होती है, तो फिर इसको कंटिन्यू करते हैं।